हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। पूरण हैला लाल किलार प्रतिश्रुति घोषणार दिनक मध्यरे बाजिला कैबिनेट मुहर विश्वकर्मा योजना को मंजूरी देले केंद्र सरकार बुणाकार ठुने छोट कारीगर को सब्सिडाइज्ड लोन पीएम गतिशक्ति योजना रे ओडिशा रे बनिब नूतन रेल लाइन देशर शहे सहर रे गड़िब 10,000 नुआ ई बस व्यापक हेबो डिजिटल इंडिया परिसर मजबूत हेबो डिजी लॉकर हमारे सोनार हो हमारे राजमिस्त्रीतम स्वाधीनता दिवस अवसर रे लाल किला रो देशर बुणाकार एवं छोट कारीगर को जीवन सुधारिबा प्रतिश्रुति देथिले प्रधानमंत्री मोदी एही घोषणा को 24 घंटा पूरीनी प्रतिश्रुति पूरण करिछंती मोदी सरकार। बुधवार पीएम को नेतृत्व रे होइतिबा कैबिनेट बैठक रे विश्वकर्मा योजना उपरे बाजी छि मोहर एने सूचना देछंती केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव। एही योजना अधीन रे पारंपरिक वृत्ति अपनाइथिबा 18 प्रकार कारीगर और बुणाकार 5% सुध हार रे प्रथम पर्याय रे 1 लाख एवं द्वितीय पर्याय रे 2 लाख टंका पर्यंत ऋण देबे मोदी सरकार। देशर 30 लाख रु अधिक बुणाकार और कारीगर को एही योजनार फायदा मिलिब एथिपाई 13,000 कोटी टंकार व्यय बराद करा जाइछि। तेबे आगामी 5 वर्ष पर्यंत योजना को जारी रखिबा को लक्ष्य रखिछंती मोदी सरकार। इस योजना के मुख्य बिंदु है सबसे पहला स्किलिंग का सपोर्ट, किस तरह से स्किल्स बढ़े, नए प्रकार के टूल्स, नए प्रकार के डिजाइन कैपेबिलिटीज, नए प्रकार के जो मार्केट को एक्सेस करने के तरीके हो, उन सब चीजों पे ध्यान सबसे पहले। दूसरा हुआ बड़ा इसका एलिमेंट क्रेडिट सपोर्ट। हम सब जानते हैं वर्किंग कैपिटल एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आता है और एक्सपेंशन में और काम के करने में कैपिटल की बहुत जरूरत रहती है। तो हमारे विश्वकर्मा समाज के सभी साथियों को 1 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। सेपटे पीएम गतिशक्ति योजना अधीन रे देश रे रेल पथर विकास पाई कैबिनेट बैठक करे निया जाइछि गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति। एथिरे ओडिसा पाई रहिछि स्वतंत्र प्लान, राज्य रे बनिबो 3टी नुआ रेल पथ, निरगुंडीरु बारंग एवं खोर्धा विजयनगरम रूट रे बनिबो नुआ रेल पथ। यहा व्यतीत 100% केन्द्रीय पांठि रे 10 राज्य रे रेल भित्तिभूमि सुदृढ़ करबा निष्पत्ति होइछि। देशरे मोट 2,339 किलोमीटर रेल नेटवर्क वृद्धि करबा को लक्ष्य धार्य होइछि। मान्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के लिए मैसिव प्रोग्राम पिछले 9 वर्षों में लिए, 7 प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुए 32,500 करोड़ रुपीस के, 7 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए 32,500 करोड़ रुपीस के। सातों के सातों प्रोजेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देश के 9 राज्यों में 35 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेंगे और टोटल इसकी लेंथ है 2,339 किलोमीटर्स इससे ऐड होंगे। कैबिनेट बैठक रो सबुठ बड़ गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति हेउची देशर 100 शहर को मिलिब 10,000 इलेक्ट्रिक बस। देशरे ग्रीन मोबिलिटी को प्रोत्साहन देबा पई 57,613 कोटी टंकार व्यय बराद करिछंती मोदी सरकार। जनसंख्या आधार रे सहर बछाजिब, सिटी बस रो भित्तिभूमि नथिबा सहर को दियाजिब प्राथमिकता। एहा व्यतीत 3 रु 5 लक्ष जनसंख्या विशिष्ट सहर को मिलिब 50टी बस, 5 रु 20 लक्ष जनसंख्या थिबा सहर को 100टी एवं 20 रु 40 लक्ष जनसंख्या विशिष्ट सहर पाइबे 150टी लेखाए ई बस। एही योजनार सबुठ गुरुत्वपूर्ण दिग हेउची एहा अधीन रे 45 रु 50 हजार पर्यंत निजुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। 60-40 अनुपात रे राज्य गुडीकु एथिपई आर्थिक सहायता देबे केंद्र सरकार। तबे पहाड़िया राज्य पई 90-10 रो अनुपात रहिबो। भारत के शहरों के लिए ग्रीन मोबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान और भविष्य के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर से जुड़ा हुआ है। पीएम ई बस सेवा की मंजूरी दी गई है
और पीएम ई बस सेवा पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में देश के 100 शहरों को वृहद पैमाने पर इलेक्ट्रिक बस सेवा चलाने के लिए ये योजना तैयार की गई है, जो ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देगी। क्षुद्र व्यवसायी को ठुने बुनाकार एवं रेल पथर ने डिजिटल कम्युनिकेशन को मजबूत करने को केंद्र कैबिनेट रे अनेक प्रस्ताव उपरे बाजी छि मोहर। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।